आचार संहिता उल्लंघन के 7 साल पुराने मामले में बिहार के हाजीपुर कोर्ट में आज लालू यादव की पेशी होगी। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान गंगा ब्रिज थाने के तेरसिया गांव में चुनावी सभा के दौरान जाति सूचक शब्द को लेकर उनके विरुद्ध पुलिस ने आचार संहिता का मामला दर्ज किया था और मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में दायर चार्जशीट भी की गई थी। मामले की नियमित तो सुनवाई शुरू हो गई है और इससे पहले 18 जून को इस मामले में लालू प्रसाद अदालत में हाजिर हुए थे। सर्वेश कुमार मिश्रा ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज लालू प्रसाद यादव की पेशी है, क्या अपडेट है इससे जुड़ी? बिल्कुल, इसकी सुनवाई लगातार चल रही है। पिछले 18 जून को भी उनकी पेशी हुई थी, 22 जून को इस पर हाजीपुर कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी, 23 अप्रैल को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पर जमानत दी थी। इसी पुराने मामले में 2015 का ये मामला है जिस पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था एक सभा के दौरान। तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर ने इस पर वीडियो साक्ष्य उपलब्ध कराए थे जिस पर ये केस दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज लालू प्रसाद यादव की पेशी होगी। जी कोमल, ठीक है। और फिलहाल राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर भी मिल रही होंगी? नहीं, बिल्कुल, इस पर सब विपक्षी दल तो हमलावर है ही, लेकिन इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। इस मामले में लालू प्रसाद यादव कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। हाँ। हाजीपुर कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हाजीपुर कोर्ट में लालू यादव पेश होंगे, आचार संहिता उल्लंघन मामले में ये पेशी है। 18 जून को लालू प्रसाद यादव अदालत में हाजिर हुए थे और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत भी मिली थी। फिलहाल आज उनकी पेशी है। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला दर्ज किया गया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।